कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद अब कर्नाटक में हालात सामान्य हो रहे हैं। बेंगलुरु में 16 पुलिस थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। कल का दिन शांत रहा। कर्नाटक से किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। इस बीच एहतियातन कर्नाटक के कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। विद्यालयों को आज तक के लिए बंद रखा गया। कावेरी जल विवाद पर 18 अक्टूबर का दिन खासा महत्वपूर्ण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर को कर्नाटक के द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुना सकता है, जिसके बाद पानी के बंटवारे पर स्थायी समाधान की उम्मीद की जा रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने कहा है कि बेंगलुरु में हालात सामान्य हो गए हैं। उन्होंने बताया कि लोग अपने रूटीन कामों में लगे हुए हैं और उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। Everywhere peace has come back, the normalcy has come back, and people are moving about. They are doing their routine, daily routine work. Children, students are going to the classes, colleges and schools. It has come back to normal. कावेरी नदी के जल विवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु में हुए प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही राज्यों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने मीडिया से भी इस प्रकार की खबरों को दिखाने में संयम बरतने की अपील की है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बीच बेंगलुरु में तनाव बना हुआ है। हालात को संभालने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कोशिशें कर रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री की ओर से जारी एक संदेश में कर्नाटक और तमिलनाडु के हालात पर चिंता जताई गई। प्रधानमंत्री ने लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील की और कहा कि विवाद का हल कानून की परिधि में ही संभव है। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, कावेरी पानी के बंटवारे पर जिस तरह के हालात कर्नाटक और तमिलनाडु में बने हैं वो बहुत दुखद हैं। मुझे व्यक्तिगत पीड़ा है। किसी भी समस्या का हल हिंसा के द्वारा नहीं निकाला जा सकता। लोकतंत्र में समाधान संयम और आपसी बातचीत से ही निकलता है। इस विवाद का हल कानून की परिधि में ही संभव है। कानून तोड़ना विकल्प नहीं है। पिछले दो दिन से जिस तरह की हिंसा और आगजनी हो रही है उसमें नुकसान किसी गरीब का ही हो रहा है, हमारे देश की ही संपत्ति का हो रहा है। प्रधानमंत्री ने हालात पर चिंता जताई तो साथ ही दोनों राज्यों की जनता से शांति बनाए रखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों को राष्ट्रीय हित की याद दिलाते हुए कहा कि देश के सामने आए विपरीत परिस्थितियों में पूरे देश के लोगों की तरह कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों ने हमेशा पूरी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। मेरी कर्नाटक और तमिलनाडु की जनता से अपील है कि संवेदनशीलता दिखाने के साथ ही अपने नागरिक कर्तव्यों को भी याद रखें। मुझे भरोसा है कि आप राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि समझेंगे और हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी के बजाय संयम, सद्भावना और समाधान को प्राथमिकता देंगे। प्रधानमंत्री की इस अपील का चौतरफा स्वागत हो रहा है और राजनीतिक दलों का कहना है कि इससे हालात सामान्य करने में मदद मिलेगी। अपीलिंग द पीपल ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु, आई वेलकम दिस स्टेटमेंट एज ए कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर एंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन। ही हैज डन ए गुड थिंग टू अपील द पीपल टू मेंटेन द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर। सीरियस अपील फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दैट वी हैव टू ओबे ऑल दिस मैसेज। And I request the people of the Karnataka and Tamil Nadu people that whatever happened in the Supreme Court and whatever the legal course, legal battle, we have to fight it and we should not take law into our hands. इससे पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भी कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों और राजनीतिक दलों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने मीडिया से रिपोर्टिंग के दौरान संयम बरतने का निर्देश दिया और कहा कि हिंसक घटनाओं का प्रसारण बार बार ना करें। I have a special appeal to the media, particularly electronic media, to exercise restraint while reporting the incidents in both the states. Highlighting such incidents visually and continuously and otherwise might incite further violence. कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार हालात को सामान्य करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद दोनों राज्यों में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। बेंगलुरु से आयशा खानम, डीडी न्यूज़।